22,000 फीट से दुश्मनों के टैंकों को उड़ाएगा अदृश्य योद्धा। भारत का नया योद्धा तीर की तरह करेगा दुश्मनों का काम तमाम। पहली बार उतरेगा मान रहित विमान, एक बटन से पलट देगा बाजी। हाल ही में भारत की एक और कंपनी बनाया था स्वदेशी यूएवी बॉम्बर। दोस्तों, भारत जहां खतरनाक विमानों, बेहद घातक तकनीकियों से लैस मिसाइलों के धड़ाधड़ प्रोडक्शन पर जुटा हुआ है, वहीं वो मानव रहित चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और ऐसी जंगों का गेम पलटने के लिए उसने बेहद घातक हथियार तैयार कर रखे हैं, जबकि तेजी से अत्याधुनिक हथियार बनाता जा रहा है। हाल में ही उसने एक ऐसा हथियार बना डाला है जो 22,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों के टैंकों को राख कर देगा। इतनी भयंकर ऊंचाई से ये जंग का पूरा गेम पलट कर रख देगा। ये मानव रहित विमान भारतीय सेना को दुश्मनों के खिलाफ मिशनों में चौंकाने वाली दमदार क्षमताओं से लैस करेगा, क्योंकि इसे जल्द ही सेना में तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत इस मिशन में इतनी ताबड़तोड़ तैयारियां कर रहा है कि वो बैक टू बैक सरप्राइज दे रहा है। एक दूसरी कंपनी ने दुश्मन इलाके में खतरनाक बमबारी के लिए जबरदस्त यूएवी बनाया है जो सीक्रेटली बम गिराकर दुश्मन के खेमे को राख कर सकता है। इन दोनों बवंडर हथियारों की धमाकेदार ताकत के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। दुर्गम इलाके में छुपे दुश्मनों की पूरी सेना को सुला देगा मौत की नींद। सीक्रेट तरीके से चीन पाक में घुसकर घातक मिसाइलों से करेगा हमला। स्वदेशी ऑनर्चर जमीनी जंग में दुश्मन टैंकों के लिए साबित होगा काल। भारत ने जहां एंटी टैंक मिसाइलों से लैस घातक यूएवी मतलब अनमैंड व्हीकल तैयार कर लिया है, जबकि भारत की एक दूसरी स्वदेशी कंपनी ने बम बरसाने वाला यूएवी बनाया है जो दुश्मनों के लिए तबाही साबित होगा। ये क्षमता जंग में भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित होगी। इस हथियार की दमदार क्षमताओं और इससे जुड़ी हर चीज हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले उस आर्चर या शॉर्ट रेंज अनमैंड एरियल व्हीकल वेपनाइज्ड के बारे में बताना चाहेंगे जो आसमान से ही दुश्मन टैंकों को राख करने की क्षमता रखता है। ये अनमैंड व्हीकल जंग के वक्त दुश्मनों की खुफिया जानकारी जुटाने छिपे हुए आतंकियों या सेना की निगरानी करने, टारगेट का पता लगाने, भाग रहे दुश्मनों को ट्रैक करने और किसी चुनौती की पूरी खबर लाने की दमदार ताकत से लैस है। अपनी इन खतरनाक ताकतों की वजह से सेना के लिए ये बहुत बड़ी ताकत साबित होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जंगली इलाकों में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की गुस्ताखियों का पूरा डाटा ये सेना को उपलब्ध कराएगा। ये 22,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, जबकि 12 घंटे हवा में मौजूद रहने की क्षमता रखता है। इसे एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक और इंफ्रारेड रडार लगाया गया है, जिसकी वजह से ये न केवल आने वाली चुनौतियों को पहचान सकेगा, बल्कि ये लंबी दूरी तक निगरानी कर सकता है, चाहे कोई भी मौसम या वक्त हो। भारत ने तापस यूएवी ड्रोन भी बना रखा है जो भयंकर ताकतों से लैस है। इसका एयर एक्सरसाइज में प्रदर्शन भी किया जा चुका है। इन ड्रोन को ऑन परेड करने के लिए भारत ने जो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम बनाया था, उसी का इस्तेमाल इस आर्चर के लिए भी किया जा सकता है। किसी भी अनमैंड व्हीकल की क्षमता के हिसाब से उसे ऑन परेड करने के लिए तमाम तकनीकियों और सॉफ्टवेयर से लैस ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है, जो काफी महंगा साबित होता है। लेकिन इन आर्चर के लिए अलग से कोई ग्राउंड सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे इसी हिसाब से तैयार किया गया है जिससे कि तपस के ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से ही इसे भी ऑपरेट किया जा सके, जबकि इससे इसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हथियार के तमाम टेस्ट हो चुके हैं, अब इसे उन हथियारों के साथ टेस्ट किया जाने वाला है जिनके जरिए ये दुश्मन टैंकों को भी बर्बाद कर सकेगा। इस एंटी टैंक मिसाइलों सहित कई हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके लिए इस बात का टेस्ट किया जाएगा कि ये मिसाइल के जरिए टारगेट को सटीकता से तबाह कर सके, इसकी गाइडेंस और नेविगेशन में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए डमी टारगेट को आर्टिफिशियल जंग के मैदान में निशाना बनाया जाएगा और बहुत जल्द ये इन टेस्ट में कामयाबी हासिल करके सेना की अलग अलग कमांड में दम दिखाएगा। जबकि इसके साथ ही भारतीय सेना स्वदेशी बॉम्बर को सेना में शामिल करने वाली है, जिसकी क्षमताओं चौंकाने वाली है। निजी कंपनी ने बना डाला दुनिया का बेहतरीन अनमैंड बॉम्बर। बिना पायलट के ही दुश्मन खेमे में हवा से बरसाएगा बारूद। भारत ने ड्रोन प्रोग्राम शुरू किया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत इस मामले में इतनी जल्दी इतनी कामयाबी हासिल कर लेगा कि वो अमेरिका को भी इस मामले में टक्कर देने लगेगा। आज भारत की तमाम निजी कंपनियां इस मामले में अपनी ताकत दिखा रही हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी
FWDA ने इस मामले में बहुत बड़ा धमाका किया है। इस कंपनी ने बम बरसाने वाला अनमैंड व्हीकल बना डाला है। इसका पहला टेस्ट पूरा हो चुका है जिसमें ये कामयाब रहा। इस बॉम्बर का नाम है FWD-200B। ये बॉम्बर 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें निगरानी के लिए ऑप्टिकल पेलोड और हवाई हमलों और बमबारी के लिए मिसाइल जैसे हथियारों को तैनात किया गया है। इस विमान का सारा प्रोडक्शन कंपनी की अत्याधुनिक फैसिलिटी में किया गया है, चाहे वो इसका डिजाइन हो, इसका एयर फ्रेम हो, इंजन का ईंधन सिस्टम हो, कंट्रोल सिस्टम हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। बेंगलुरु में इस कंपनी ने इसके लिए जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और कारखाना बना रखा है जो 1.5 एकड़ में फैला है। इससे इस बात का पता चलता है कि निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में परमिशन देने की वजह से भारत में रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो रहा है। अगर इस हथियार की बात करें तो इसके पंख का फैलाव 5 मीटर का है जबकि इसकी लंबाई 3.5 मीटर की है। इसका टेक ऑफ वजन 102 किलोग्राम है और इसकी पेलोड क्षमता 30 किलोग्राम है। मतलब ये 30 किलोग्राम का बम दुश्मन इलाके में गिरा सकता है जो अपने आप में तबाही का पूरा इंतजाम है। जबकि ये 152 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज स्पीड से उड़ सकता है जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्रूज स्पीड का मतलब ये कम ऊंचाई पर वर्टिकल मूव कर सकता है जबकि ये दूसरे स्टाइल में भी मूव कर सकता है। इसे उड़ान भरने के लिए बहुत बड़े रनवे की जरूरत नहीं है। ये केवल 300 मीटर के रनवे से ही टेक ऑफ कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये भी है कि ये 7 घंटे तक हवा में रह सकता है जबकि 800 किलोमीटर की रेंज को हैंडल कर सकता है। मतलब बार बार ईंधन भरे बिना ही ये भयंकर रिजल्ट दे सकता है और बड़े मिशनों को अंजाम दे सकता है। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनी का ये बहुत बड़ा बवाल है। इस हथियार की ताकत और क्षमताओं के देखते हुए जल्द ही भारतीय सेना इसे अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। इसका पहला ट्रायल सफल रहा है जबकि अब बाकी के ट्रायल जल्द ही पूरे किए जाएंगे। इससे इतना तो क्लियर हो जाता है कि भारत आने वाले वक्त में ड्रोन हब बनने के सपने को हर हाल में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों, भारत के इन घातक अनमैंड हथियारों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं।